वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार हमारे SEMT यूट्यूब चैनल में मैं स्कूल की ओर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे फ्लेमिंगो का जो फिफ्थ यूनिट है इंडिगो, तो इस इंडिगो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिगो रिटन बाय लुईस फिस्कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग अबाउट लुईस फिस्कर। तो लुईस फिस्कर कौन है? तो ही वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। ही सर्व एज अ वॉलेंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर है, वो जो आर्मी में काम करते थे उन्होंने स्टोरी लिखी है, मीन्स ब्रिटिश राइटर है, बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, जिन्होंने 1980 टू 1920 ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व किए थे और उस वक्त वो हमारे इंडिया में भी आए थे और गांधी जी के बहुत अच्छे फॉलोअर थे उस वक्त। फिस्कर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये पूछा जा सकता है, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। तो इन्होंने बहुत अच्छी न्यूज़पेपर के लिए भी आर्टिकल लिखे हैं, जर्नलिस्ट की तरह भी काम किया है। ही वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ द फैकल्टी इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो राइटर है, मैंने बताया उस वक्त गांधी जी की बहुत सारी मूवमेंट चल रही थी और उस मूवमेंट में ये कई बार उनके टच में आए थे और उनकी लाइफ से वो बहुत इम्प्रेस हुए थे और उनके बारे में उन्होंने ये बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से ये लेसन लिया हुआ है। द बुक हैज़ बीन रिव्यू एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधीज बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। जो टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट है, उन्होंने इस बुक को बेस्ट रिव्यू का अवार्ड दिया हुआ है कि गांधी जी की लाइफ पे लिखी हुई बुक में ये सबसे अच्छी बुक है। तो दोस्तों, ये इंडिगो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्वेश्चन होगा कि भाई इंडिगो क्या है। तो मैं बता दूं भाई, उस वक्त बिफोर इंडिपेंडेंट हमारा जो अंग्रेज आए उससे पहले हमारे, आपको सबको पता है कि भाई इंडिया एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया की जो चीज़ें हैं उसके डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में थी, जैसे कि सारे स्पाइसेस है और इसमें एक पार्ट था इंडिगो भी। इंडिगो मीन्स वो ब्लू कलर का गरी आता है जो कपड़ों को, उस वक्त डिटर्जेंट नहीं था तो कपड़ों को धोने के लिए, वॉशिंग के लिए इंडिगो का यूज़ करते थे और इंडिगो की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी। और ये इंडिगो की जो फार्मिंग है वो हमारे इंडिया में होती थी, पर्टिकुलर नॉर्थन पार्ट में। अब जैसे कि आपको पता है कि उस वक्त जो फार्मर है वो फार्मर की कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो सारी लैंड थी वो लैंड लैंडलॉर्ड की थी और उसमें थोड़ा बहुत पार्ट ब्रिटिशर का भी था। तो लैंडलॉर्ड क्या करते, अपनी जो लैंड है वो किसी गणोतियों को दे देते, किसी दूसरे फार्मर को दे देते जो शेयर ग्रुपर के नाम से जाने जाते थे। तो ये शेयर ग्रुपर पूरी मेहनत करते, अपने खून पसीना एक कर देते क्रॉप के लिए और जब क्रॉप रेडी हो जाता था तब ये उसका आधा पार्ट लैंडलॉर्ड ले जाता था, जो बचा कुछ आए उसमें से ब्रिटिशर्स अपना टैक्स के रूप में वसूल कर देते थे। तो बेचारे जो शेयर ग्रुपर थे उनके पास बहुत कम आता था, जिससे उनका गुजारा भी नहीं चल सकता था, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो गांधी जी ने ये सब देखा और इनके अगेंस्ट में मूवमेंट भी शुरू की, इन लोगों को अपना राइट मिले, वो फार्मिंग करते थे तो वो फार्म उनको मिले, ऐसी मूवमेंट भी शुरू कर दी। जैसे कि विनोबा भावे ने ऐसे मूवमेंट शुरू कर दी, गांधी जी के डिसिपल थे वो, भूदान मूवमेंट, जिसमें उनको राइट मिलने का, तो वो गांधी जी ने ही उनको इंस्पायर किया था इस मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे इस लेसन में गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट के बारे में बताया है, जो गांधी जी का रोल क्या था, ये सब लेसन में लिखा हुआ है कि गांधी जी ने उस वक्त हमारे राइटर के साथ जो बातचीत की थी और जो चंपारण मूवमेंट थे उसके बारे में बताया है। तो जनरली गांधी जी, जैसे कि हम जाते हैं, उनका आश्रम था हमारे गुजरात में साबरमती में और दूसरा ऐसा सेवाग्राम आश्रम था सेंट्रल इंडिया के अंदर। तो एक कैसे मूवमेंट शुरू हुई है, 1970 की बात है, तो उस वक्त 1960 के बारे में बताते हो कि भाई वो एक
सोशल पार्टी, उनकी जो कांग्रेस पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसकी एक कॉन्फ्रेंस थी लखनऊ के अंदर। तो वहाँ लखनऊ के अंदर वो गए थे, बहुत सारे विजिटर भी आए थे, लेकिन उस विजिटर में एक ऐसा फार्मर था जिसको हम शेयर टूपर बोलेंगे, जो कि बहुत सफरिंग हो रहा था, वो राजकुमार शुक्ला जो चंपारण से आया था। चंपारण उस वक्त हिमालय में नेपाल के अंदर नेपाल किंगडम का एक पार्ट था वो। तो वहाँ उन ले जाने के लिए आया था गांधी जी को, क्योंकि वो लोग बहुत सफ़र हो रहे थे, क्योंकि उनको लैंड का टैक्स भरना पड़ता था, लैंड लोड ले जाते थे, और लैंड लोड इनको ज़बरदस्ती ग्रेन की जगह इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे, और इंडिगो का जो क्रॉप होता था वो सब ये ले जाते थे। उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, इतने के वो अपना गुजारा भी नहीं कर पाते थे, और इसमें ग्रेन अनाज जैसे और सब्जी जैसे कोई क्रॉप भी नहीं ले पाते थे इसकी वजह से। और जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने काफ़ी सारे रूल्स ऐसे बना रखे थे जो शेयर ग्रुपर पूरी लाइफ अपनी घिस दे फिर भी उनका जो डेट है वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो ऐसा सिचुएशन था, लेकिन उस वक्त मेंटली रेडी नहीं थे गांधी जी उस वक्त जाने के लिए। तो गांधी जी जहाँ जहाँ जाते राजकुमार शुक्ला वहाँ उनके पीछे पीछे जाते थे। आखिरकार गांधी जी वहाँ जाने के लिए एग्री हो गए कि अच्छा चलो मैं कोलकाता आने वाला हूँ, तो कोलकाता से आपके साथ आऊँगा। तो वहाँ कोलकाता से ये जो राजकुमार शुक्ला है गांधी जी को अपने साथ ले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, तो एक मंथ के बाद शुक्ला कोलकाता आए और उनको अपने साथ ले जाते। तो पहले वो पटना में गए, बिहार तक की ट्रेन थी वहाँ गए। तो वहाँ शुक्ला जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस राजेंद्र प्रसाद, उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, उनके वहाँ ले गए, लेकिन वहाँ पे वो नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो गांधी जी को उसके जो नौकर थे उन्होंने अलाउ नहीं किया, क्योंकि गांधी जी को भी वो शहर के ऊपर समझ बैठे थे। तो गांधी जी ने अच्छा चलो वो पटना से फिर मुजफ्फरपुर गए, जहाँ से चंपारण का रूट होता था। तो मुजफ्फरपुर में उन्होंने जो जे बी कृपलानी है वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ उनको आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, दूसरे एक दो टीचर थे, उनके वहाँ स्टे किया, और वहाँ से उन्होंने ये सब केसेस क्या है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ली, और फिर वहाँ के जो लॉयर है लॉयर को इकट्ठे किया, और एक केस को किस तरह सॉल्व कर सके, ये जो सेट पेपर है उनको किस तरह से उनका राइट मिल सके, उसके बारे में वो सबसे डिस्कशन की। और फिर गांधी जी ने आखिरकार चंपारण गए, और चंपारण में अपना हेडक्वार्टर वहाँ पे बनाया, और वहाँ से वो मूवमेंट शुरू की। लेकिन इस बीच उनको काफ़ी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ कुछ हो ऐसा नहीं स्थिति, इसलिए उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट करना भी चाहा। उनको बोला कि भाई हमारा इलाका छोड़ के आप चले जाओ, आप बाहरी व्यक्ति हो। उनको इन्फॉर्मेशन देने से मना किया कि क्या उनके बीच एग्रीमेंट हुआ वो भी देने से मना किया। फिर भी गांधी जी डटे रहे, अरेस्ट होने को भी रेडी हो गए कि कोई बात नहीं, अब मुझे सजा देना चाहो तो दे सकते हो। लेकिन गांधी जी की सपोर्ट में पूरा चंपारण जो एरिया था वहाँ के सारे लोग वहाँ पे आ गए, मुजफ्फरपुर से आ गए, और पूरा जो कोर्ट का एरिया था वो उनका घेरा कर दिया। हॉस्टेजेस सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनको बनाने के लिए सारे फार्मर्स रेडी हो गए, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। सबको समझाया कि कोई बात नहीं, ये लो है तो वो अपना काम करते हैं, मैं भी एक लॉयर हूँ, मैं लो को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, उनको मुझे अरेस्ट करना है तो करे, लेकिन मैं ये मुजफ्फरपुर और चंपारण छोड़ के नहीं जाऊँगा, आपको आपका हक दिला के रहूँगा। आखिरकार सरकार को घुटने नीचे कर देने पड़े, घुटने के बल बैठ गई सरकार, उन गांधी जी को रिलीज कर दिया। और गांधी जी ने फिर सब लैंडलॉर्ड को समझाया, ब्रिटिशर को समझाया, और शेयर कूपर को अपना राइट्स मिले उस पर इंसिस्ट रहे। आखिरकार वो केस जो केस चल रहा था वो केस बाहर ही उसका समाधान हो गया, और एग्रीमेंट हो गया कि शेयर कूपर को अपना हक अपना राइट मिलेगा। लेकिन गांधी जी यहाँ पे नहीं रुके, गांधी जी आगे बढ़ते हुए उन्होंने वहाँ के जो सोशल प्रॉब्लम थे, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थे, वो भी देखा, और देखा कि भाई क्लीनलीनेस जैसी प्रॉब्लम से लोग सफ़र हो रहे हैं,
अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा, उनके कपड़े भी गंदे थे, तो उसके बारे में भी उन्होंने वर्क किया। कस्तूरबा उनके संदेह और दूसरे साथी मित्रों की हेल्प ली, वहाँ छोटे से स्कूल शुरू की, लोगों को एजुकेशन मिले, वो भी जैसे कि क्लीन इंडिया अभी मूवमेंट चल रहा है, तो उन्होंने उस वक्त ऐसे मूवमेंट शुरू कर दिए थे क्लीनलीनेस, सब लोग अच्छी तरह रहे, अच्छा पानी पिए, मेडिकल का जो प्रॉब्लम था तो मेडिसिन थोड़ी बहुत सप्लाई की, छोटी सी डिस्पेंसरी भी वहाँ पर शुरू की, और ऐसे जो सोशल प्रॉब्लम थे उनको भी सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने बहुत अच्छे ट्राई किए थे। तो ये जो पूरा चंपारण मूवमेंट है इस यूनिट के अंदर बताया गया है, वो भी एक अंग्रेज ने बताया है अपने नज़रिए से कि गांधी जी कैसी पर्सनालिटी थे, तो उनकी पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमें इस यूनिट में सीखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये यूनिट हम दो पार्ट में, थोड़ा लंबा है तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा ये चंपारण मूवमेंट के बारे में आ जाएगा, और दूसरा पार्ट है उसमें चंपारण मूवमेंट उन्होंने कैसे विक्टरी हासिल की, कैसे वो सोशल प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व किया, किस किस की हेल्प मिली, ये सब हम दोनों पार्ट में देखते हैं। तो आइए हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि गांधी जी गए हुए हैं चंपारण पिजन्स लोग का हेल्प करने के लिए, और तभी उन्हें क्या किया जाता है, ऑफिशियल नोटिस मिलता है कि वो जल्दी से जल्दी चंपारण को क्विट कर दे, उन्हें चंपारण छोड़ के चले जाए। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है, कोर्ट में उनको बुलाया जाता है। तो जब वो कोर्ट में जाते हैं तो बाहर क्या होता है, बहुत सारा क्राउड आ जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, जो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट नहीं कर पाती है उसको। तो गांधी जी उसमें मदद करते हैं, और जब वो कोर्ट के अंदर जाते हैं तो प्रोसिक्यूटर मतलब जो गवर्नमेंट लॉयर था वो रिक्वेस्ट करता है जज से कि पोस्टपोन कर दिया जाए ट्रायल को, मतलब सुनवाई को पोस्टपोन करने का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये हम लोग देखे थे पार्ट वन में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो गांधी जी को ये मंजूर नहीं था कि ये और डिले हो इसमें। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, तो गांधी जी क्या करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं कोर्ट से। वो बोलते हैं ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। तो वो कोर्ट को बोलते हैं कि वो क्या चीज़ में पड़ गए थे, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ हो गया उनके साथ। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, जब आपके पास दो काम हो और दोनों में से आप तय ना कर पा रहे हो किसको करें, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, दोनों काम एक साथ आ जाए। तो यहाँ पे दो काम क्या था उनके सामने, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो गांधी जी लॉ को तोड़कर ऑफिशियल नोटिस को ना मानकर एक लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे क्योंकि ये एक बैड एग्जांपल सेट हो जाएगा और दूसरे लोग भी इनको देखा देखी वो लोग भी ऐसा करने का चाहेंगे, तो ऐसा गांधी जी नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरा ड्यूटी क्या था उनके पास, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरा उनके पास ड्यूटी क्या था कि वो एक इंसानियत का नाते, मानवतावादी होने के नाते और देश का सेवा करने के नाते वो उस ऑफिशियल नोटिस को फॉलो भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनके साथ हुआ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ये कोर्ट को बोले वो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो ऑर्डर मिला था उनको छोड़ के जाने का, चंपारण छोड़ने का, उन्होंने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, नहीं माना। तो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। तो उन्होंने ये ऑर्डर को नहीं माना, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ये जो वर्ड है फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है लैकिंग, कोई चीज़ का कमी होने को बोलते हैं फॉर वॉन्ट ऑफ, ऐसा नहीं था कि उसमें रेस्पेक्ट नहीं है लॉफुल अथॉरिटी के लिए, ठीक है, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग, लेकिन वो क्या किए, कोर्ट का जो लॉ है उससे भी ऊपर एक लॉ होता है, वो उसको हायर लॉ जिसको बोलते हैं, और वो लॉ क्या है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, उनको वो फॉलो किए, अंतरात्मा का आवाज़ को फॉलो किए कि क्या सही है क्या गलत। कॉन्साइंस का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब अंदर से आवाज़ आता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। तो गांधी जी ने उस वॉइस को सुना, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस को, और ऑफिशियल ऑर्डर जो आया था उसे डिसरिगार्ड कर दिया, तो इसीलिए ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, इसीलिए वो कोर्ट को बोलते हैं कि जो भी सजा बन पड़ता है आप मुझे दे दीजिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस डैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर्स रिसेस, तो मैजिस्ट्रेट बोलते हैं कि वो अपना जो डिसीजन है वो 2 घंटे के बाद देंगे, 2 आवर रिसेस, रिसेस का मतलब होता है ब्रेक, तो जो भी उनका सजा बन पड़ता है वो 2 घंटे के बाद बताएंगे। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी को बोलते हैं कि
आप चूंकि 120 मिनट्स के बाद वो डिसीजन देने वाले हैं, इसलिए आप तब तक के लिए क्या करिए, बेल जमानत ले लीजिए। बेल का मतलब क्या होता है, बेल में क्या होता है कि कोई आरोपी कोर्ट को कुछ रुपये जमा करता है ताकि उतने टाइम के लिए उसको क्या मिल जाए, वो रिलीज हो सके जेल से, उसको बोलते हैं बेल। तो गांधी जी को बोला गया कि आप भी कुछ पैसा दे दीजिए ताकि आप 2 घंटे के लिए आप फ्री हो जाए। गांधी रिफ्यूज, तो गांधी जी पैसा देने से मना कर दिए, बेल लेने से मना कर दिए। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो जज ने उन्हें बिना बेल के ही रिलीज कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, तो जब कोर्ट दोबारा फिर से बैठा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज बोलते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अपना डिसीजन नहीं देंगे, जजमेंट नहीं देंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और गांधी जी को ये आज़ादी दे दी है कि वो आराम से घूम फिर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तो बिहार से ये काफ़ी सारे बड़े बड़े वकील लोग आए हुए थे गांधी जी से मिलने के लिए। दे कन्फर्ट विद गांधी, कन्फर्ट का मतलब होता है डिस्कस्ड, उन्होंने गांधी जी के साथ क्या किया, डिस्कशन किया। वॉट दे वुड डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आज, तो गांधी जी उन तीनों से पूछते हैं, उन सभी लॉयर से पूछते हैं कि अगर उन्हें जेल भेज दिया जाता है तो वो लोग क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो सबसे बड़ा जो सीनियर लॉयर था वो बोलता है कि क्यों, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, वो तो सिर्फ गांधी जी को एडवाइस देने के लिए आए थे और उनका मदद करने के लिए आए थे। और इफ़ ही वेंट टू जेल देर वुड नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, और अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे तो वो लोग एडवाइस किसको देंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपना घर चले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं वो लॉयर लोग। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, तो गांधी जी बोलते हैं कि और उन शेयर क्रॉपर्स का क्या जिनके साथ अन्याय हो रहा है। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, तो लॉयर्स बोले कि रुकिए हमें आपस में डिस्कशन करने दीजिए, तो लॉयर्स लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, तो डिस्कशन होने के बाद राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, जो भी उनका कंसल्टेशन हुआ उसका अपशॉट बताते हैं। अपशॉट मतलब कंक्लूजन बताते हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। तो राजेंद्र प्रसाद ये बोलते हैं, दे थॉट अमंग देमसेल्व्स, दे मतलब यहाँ पे सभी लॉयर्स को बोला जा रहा है, तो सभी लॉयर्स ने आपस में सोचा है कि डेट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, तो गांधी जी एक अजनबी थे एकदम उनके लिए। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, लेकिन फिर भी वो तैयार हो गए जेल जाने के लिए इन पीजेंट्स के लिए। इफ दे ऑन द अदर हैंड बींग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दिस पीजेंट शुड गो होम, बोले कि अगर ये लोग जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ना ही आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं बल्कि ये लोग पीजेंट्स का केस भी लड़े हैं कोर्ट में, अगर ये लोग अगर शुड गो होम, अगर ये लोग अगर घर चले जाए, इट वुड बी अ शेमफुल डिसर्शन, तो ये काफ़ी शर्मनाक, डिसर्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ लीविंग अ प्लेस, शर्मनाक डिसीजन होगा हमारा ये जगह छोड़ के जाने का, ऐसा राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, उसी लिए वो लोग वापस गांधी जी के पास आते हैं। एंड टोल्ड हिम दे वेयर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, और उन्हें बोलते हैं कि हम तैयार हैं आपके साथ जेल जाने के लिए भी, वो लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए गांधी जी के साथ में। वो लोग कौन लोग, लॉयर्स लोग। तो यहाँ पे कुछ लॉयर्स का नाम आपको याद रखना होगा, कौन कौन से लॉयर थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, ये 3 लॉयर्स का नाम दिया गया है। द बैटल ऑफ चैंपियन इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, तो तभी महात्मा गांधी बोलते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण, सॉरी, तो ये जो चंपारण का जो बैटल है ये जीत लिया गया है, गांधी जी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें जीत का मतलब ये क्या बताया था, इन्होंने जीत का मतलब बताया था कि फियर, फ्री फ्रॉम फियर होने जाने से ही जीत जाते हैं कोई भी, मतलब आपको डर के ऊपर काबू पाना है, अगर आप डर से जीत गए तो आप कोई भी बैटल जीत जाइएगा। उनको ज़्यादा पैसा से उतना कम ये लेना देना नहीं था, उनको बस इंडिविजुअल को फ्री करना था, तो इसलिए ये बोलते हैं कि चलो ये लोग का अंदर से डर हटा और ये लोग आगे आए हैं लड़ने के लिए, तो इसलिए वो बोलते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद वो एक पेपर लेते हैं गांधी जी, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर्स, और इनका जो ग्रुप था उनको पेयर्स में बांट देते हैं। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और बताते हैं कि कोर्ट कैसे कैसे किसको किसको अरेस्ट करेगा, सबसे पहले ये पेयर जेल जाएगा, उसके बाद ये पेयर जेल जाएगा, ऐसा कुछ बताते हैं वो। सेवरल डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड,
तो गांधी जी के पास एक रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब एक लेटर आता है मजिस्ट्रेट से, और लेटर में ये लिखा होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मतलब डिप्टी गवर्नर जो थे उस जगह के प्रोविंस के, प्रोविंस मतलब होता है रीजन, उस रीजन के जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये केस ड्रॉप किया था, ड्रॉप कर लिया। मतलब यही तो थे जो गांधी जी पर केस किए थे कि इन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, ऑफिशियल नोटिस का ऑर्डर फॉलो नहीं किया। तो इन्होंने अब क्या किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये अब केस ड्रॉप कर दिए, केस हटा लिए, तो गांधी जी फ्री हो गए अब तो पूरा पूरी। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, तो सिविल डिसोबीडियंस का यहाँ पर जीत हो गया था। अब सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस एक पीसफुल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। इसमें आप प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर आप लोग लॉस को फॉलो नहीं करते हैं और जितने भी सरकारी ऑर्डर्स है उसको फॉलो नहीं करते, इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। तो यहाँ पे इसका जीत हुआ था द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न टाइम में ऐसा पहली बार हुआ था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर। उसके बाद गांधी जी और बाकी सभी लॉयर्स अब क्या करना शुरू कर दिए, अभी तो क्या हुआ, अभी तो गांधी जी को आज़ादी मिला है ना, चंपारण का जो पीजेंट्स का प्रॉब्लम अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है, तो देखिए उनके साथ अब क्या होता है। तो गांधी जी और जितने भी लॉयर्स थे वो लोग क्या किए, फार फ्लंग का मतलब होता है इन डेप्थ इंक्वायरी, काफ़ी गहराई से इंक्वायरी करना शुरू कर दिए इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स जो भी कंप्लेन लेके आते थे उस पर काफ़ी गहराई इंक्वायरी करना शुरू कर दिए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। डिपोजिशन का मतलब होता है अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट, तो लगभग 10,000 पीजेंट्स ने लिखित स्टेटमेंट दिया एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और जितने भी सबूत थे उनका नोट बनाया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और सभी से डॉक्यूमेंट लिया गया जो भी जरूरत का डॉक्यूमेंट था। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, और चंपारण का जो जितना भी एरिया था वो पूरा थ्रॉब्ड मतलब वाइब्रेटेड, पूरा भर गया एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, हर जगह इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा था और हलचल मचा हुआ था। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड थे वो लोग भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे जोर शोर से, वेमेंट मतलब इंटेंस, काफ़ी इंटेंस प्रोटेस्ट था उनका भी। तो इन जून गांधी वॉज समाउंड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जून के महीने में गांधी जी को बुलाया जाता है एडवर्ड गेट के पास, सर एडवर्ड गेट के पास, और यही कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो आपको ये नाम याद करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या था, सर एडवर्ड गेट। तो गांधी जी इनके पास जाते हैं, और जाने से पहले बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और गांधी जी इनसे मिलने से पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने से पहले वो क्या करते हैं, जितने भी उनके करीबी जो लोग थे उनसे मिलते हैं और एक फिर डिटेल प्लान बनाते हैं कि अगर वो वापस नहीं लौटे तो कैसे कैसे करके सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन करना है, वो ये प्लान बना के जाते हैं। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गांधी जी फोर प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग, काफ़ी लंबा चार इंटरव्यू किए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, हु एज अ रिजल्ट क्या किए, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर। तो थोड़ा सा सक्सेस मिला यहाँ पर गांधी जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, एक ऑफिशियल कमीशन बैठाया, वो इंक्वायरी करेगा कि इंडिगो शेयर क्रॉपर के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सिचुएशन। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, और ये जो कमीशन बना था उसमें कौन कौन लोग थे, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड थे, ये आप याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, लैंडलॉर्ड्स थे उसमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो कमीशन में तीन प्रकार के लोग थे, पहले थे लैंडलॉर्ड्स सभी, और नंबर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड नंबर थ्री गांधी। पीजेंट्स की तरफ से इकलौते गांधी जी ही थे जो उनके तरफ से बात करने वाले थे वहाँ पर, तो ये तीन टाइप के लोग थे कमीशन में। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। तो गांधी जी चंपारण में लगभग 7 महीनों तक रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टेड विजिट्स, और उसके बाद जब वो वापस चले गए तो बीच बीच में आते थे, शॉर्ट विजिट करते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। तो एक बार क्या हुआ, गांधी जी विजिट करते हैं क्योंकि इंट्रीटी किया गया था उन्हें, इंट्रीटी का मतलब रिक्वेस्ट, एक अनलेटर्ड पीजेंट, अनलेटर्ड मतलब इलिटरेट, एक पीजेंट था, स्मॉल फार्मर था जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो आके रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को कि आप आइए, और गांधी जी आए थे, विजिट किए चंपारण में ये सोच के कि वो विजिट सिर्फ कुछ दिनों का होगा, लेकिन वो एक साल तक विजिट का ड्यूरेशन चला गया, एक साल तक रुक गए वो वहाँ पर।
और इंक्वायरी हो रहा है साथ ही साथ. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. तो इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल गया है इस बिग प्लांटर्स के खिलाफ में. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड. और जब ऑफिशियल्स लोग को ये सब बात पता चला तो वो लोग मान गए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स. तो वो लोग तैयार हो गए कि चलो पीजेंट्स को कुछ तो कुछ रिफंड देना होगा, ये गलत था प्रिंसिपल के हिसाब से. बट हाउ मच मस्ट वी पे दे आस्क गांधी. तो सभी पूछते हैं कि कितना पे करना होगा हमें. सभी कौन पूछते हैं, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे और ऑफिशियल्स लोग थे, ये लोग पूछते हैं कि गांधी जी से कि कितना पे करें, क्योंकि गांधी जी तो इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे सभी पीजेंट्स के. तो इन्हीं से पूछे वो लोग. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर. तो वे लोग कौन सोचे, तो लैंडलॉर्ड्स थे. वे लोग सोचे कि ये गांधी जी जो है वो पूरा फुल पैसा मांगेंगे, फुल रीपेमेंट मांगेंगे जो वो लोग इलीगली और डिसीटफुली धोखेबाजी से शेयर क्रॉपर से ले लिए थे. लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, ही आस्क्ड ओनली 50%. वो सिर्फ आधा पैसा ही मांगते हैं, 50% रुपीज ही मांगते हैं. देयर ही सीम्ड एडमांट राइट्स रिवरेंड जे जेड हॉज. तो अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण. मिशनरी का मतलब ऐसा इंसान होता है जो क्रिश्चियन जो धर्म है उसका प्रचार करे, उसको बोलते हैं मिशनरी. तो ये रेवरेंड जेड हॉज ये बोलते हैं कि ये एक इंसान है, वो उस समय चंपारण में थे, हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. जो काफ़ी गहराई से ये सब देख रहे थे, ये क्या सब हो रहा है चंपारण में. तो ये इंसान बोलते हैं कि देयर ही सीम्ड एडमांट. गांधी जी उस समय ऐसा लग रहा था कि ये 50% से आगे पीछे नहीं होंगे. जे एच हॉज बोलते हैं कि 50% तो गांधी जी मांगे लेकिन वो इससे आगे पीछे होने वाले नहीं है, 50 से कम में नहीं मानेंगे. थिंकिंग प्रोबेबली डेट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. तो प्लांटर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो सोचा कि गांधी जी चलो 50 से कम में तो नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी वो बोले कि चलो हम आपको 25% तक दे देंगे. एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन वो चौंक गया जब गांधी जी टू की मैट हिज वर्ड का मतलब वो उनका बात को मान लिए. एंड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. और ये जो डेडलॉक था बिटवीन प्लांटर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, वो लैंडलॉर्ड्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में जो डेडलॉक था वो टूट गया. मतलब ये मैटर सेटल हो गया 25% का रिफंड करके. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाई द कमीशन. तो ये जो सेटलमेंट था वो सभी को मंजूर हो गया. यूनैनिमसली मतलब विदाउट ऑपोजिशन, बिना इफ एंड बट के ये सजेशन मान लिया गया. गांधी एक्सप्लेन डैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट डैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी. तो जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी के लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता था. वो तो सिर्फ चाहते थे कि इन पीजेंट्स लोगों को फ्री फ्रॉम फियर कर दे, वो मतलब डर से मुक्ति दिला दे, वही काफ़ी था उनके लिए. ये पैसा आ रहा है तो उनके लिए उतना कुछ नहीं था पैसा में. तो वो बताते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट. रिफंड कितना मिल रहा है वो उतना मायने नहीं रखता है देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर. ये ज़्यादा मायने रखता है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये लोग सरेंडर करने पर मजबूर हो गए वो पैसा. एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. और पैसा के साथ साथ वो लोग क्या भी सरेंडर कर दिए, अपना आत्मसम्मान को थोड़ा साइड में रखे. पहले जो इतना घमंड था उन लोगों में वो थोड़ा हटाए. देयर फोर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जहाँ तक पीजेंट्स का बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. वो प्लांटर्स लोग पहले कैसे बिहेव करते थे, ऐसे लॉर्ड्स बिहेव करते थे जो लॉ से भी ऊपर है. तो वो सब जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड अब ख़त्म हो रहा था. तो ये असली सक्सेस था, ना कि वो 25% रिफंड. नाउ द पीजेंट सॉ डैट ही हैड राइट. अब एक नॉर्मल पीजेंट क्या सोचता था कि उसके पास राइट्स है, अधिकार है, एंड डिफेंडर्स. और डिफेंडर्स का मतलब होता है प्रोटेक्टर, और उसके अधिकार को बचाने वाला भी कोई है. ही लर्न्ड करेज. उसको करेज हिम्मत मिला कि लड़ने का हिम्मत मिला. तो ये था असली सक्सेस चंपारण का. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजिशन. और आगे चल के जो घटनाएँ घटी वो गांधी जी का इस बात को और भी सही साबित करती है. वो क्या सब घटना घटी तो देखिए. विदिन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन देयर इस्टेट्स. जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो लोग क्या किए, वो अपना जो जमीन था, प्रॉपर्टी था, वो छोड़ के चले गए. विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स. रिवर्टेड मतलब रिटर्न. वो जमीन वापस किसको मिल गया, पीजेंट्स लोग को मिल गया. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर. और जो इंडिगो का जो
कल्टीवेशन होता था ज़बरदस्ती का, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये हुआ सक्सेस आगे चल के। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे थोड़ा गांधी जी का फीचर्स बताया जा रहा है कि गांधी जी कभी भी लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े पैमाने पर क्या किया जाए कि देश के लिए पूरा अच्छा होगा, ऐसा नहीं था। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। वो चंपारण विलेज में देखते हैं कि यहाँ पे सब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। और उसके लिए वो तुरंत कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पहले प्लान बनाएंगे और ये वो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। वो पहले टीचर्स के लिए अपील करते हैं कि एजुकेशन कमी है तो टीचर्स को बुलाया जाए। माधव देसाई एंड नरहरी पारीख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर फॉर द वर्क। तो चार लोग टोटल आते हैं इस काम के लिए। किस काम के लिए? टीचिंग करने के लिए। चार लोग कौन कौन है? पहला तो था माधव देसाई और नरहरी पारीख। ये दोनों गांधी जी के डिसाइपल्स थे, डिसाइपल मतलब स्टूडेंट्स थे, और ये दोनों के वाइफ्स भी आते हैं इस काम के लिए, आगे टीचिंग करने के लिए आते हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और बॉम्बे, पूना ये सब जगह से भी काफ़ी सारे टीचर्स आते हैं गांधी जी का मदद करने के लिए, चंपारण में टीचर्स बनने के लिए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन और गांधी जी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है देवदास, वो भी अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से यहाँ पर आता है। एंड सो डिड मिसिज गांधी, और गांधी जी की पत्नी भी, पत्नी जो थी वो भी आती है। प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपेंड इन 6 villages, 6 villages में प्राइमरी स्कूल खोला गया। कस्तूरबाई जो कि गांधी जी की पत्नी है वो टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लिनलीनेस। तो वो आश्रम में जो रूल था उनका वो सब बताती है यहाँ पर कि कैसे खुद का सफाई भी रखना है एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, पूरा कम्युनिटी समुदाय का भी सफाई रखना है, वो सब यहाँ पर टीच करती है वो कस्तूरबाई। कस्तूरबाई कौन है? गांधी जी की वाइफ। और गांधी जी का छोटा बेटा यंगेस्ट सन का नाम क्या है? देवदास। तो गांधी जी ऐसे काम करते हैं। तो ये यहाँ पे बोला गया था कि ही नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा प्लान बनाएंगे और फिर कुछ एक्सपेंडिचर का प्रोविजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते थे और उसके लिए इमीडिएटली काम करना शुरू कर देते थे। जैसे कि वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम था, टीचिंग का कमी था, एजुकेशन का कमी था, तो उसके लिए वो तुरंत काम करना शुरू कर दिए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और जहाँ तक हेल्थ का बात है वो भी काफ़ी बुरा था, वहाँ पे स्वास्थ्य का सेवा बहुत बुरा था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। तो गांधी जी ने क्या किया उसके लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वो अपना सर्विस दे पाए फॉर 6 months। वॉलंटियर मतलब बिना कोई फोर्स के फ्री में सर्विस देना, उसको बोलते हैं वॉलंटियर सर्विस। तो वो 6 महीने के लिए डॉक्टर सर्विस देने के लिए मंजूर हो गया। और 3 medicines वर अवेलेबल, और सिर्फ 3 ही दवाई अवेलेबल थी डॉक्टर के पास। वो 3 दवाई क्या क्या थी? कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाई उनके पास थी। तो एनीबॉडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। किसी का जीभ में कुछ कोट उठ परत पड़ जाए तो उसके लिए क्या दिया जाता था? कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और जिसको मलेरिया होता था उसको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल मिलता था। और एनीबॉडी विथ स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को स्किन का कोई बीमारी हो तो उसको ऑइंटमेंट, कोई मलहम और एक कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो उन्होंने दो सेक्टर में सुधार किया चंपारण में। पहला तो था एजुकेशन सेक्टर में सुधार किया और दूसरा था हेल्थ सेक्टर में सुधार किया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ। फिर वो आगे देखते हैं कि वहाँ पे वुमेंस का जो क्लोथ है वो भी काफ़ी गंदा है। ही आस्क कस्तूरबाई टू टॉक टू देम। तो वो अपनी पत्नी कस्तूरबाई को बोलते हैं कि जाओ इनसे बात करो क्यों क्यों इतना गंदा रहते हैं अबाउट इट। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट। तो एक वुमेन, एक औरत कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी में ले जाती है और बोलती है लुक, बोले देखिए देर इज नो बॉक्स और कबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ। मतलब यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, कबोर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई है। तो ये जो मैं साड़ी पहनी हुई हूँ ये मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है, इसलिए वो लोग गंदे रहते हैं। तो ऐसा बताती है वो वुमेन। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो जब गांधी जी चंपारण में रह रहे थे तब भी वो क्या करते थे, अपना जो आश्रम था उस पर निगरानी रखते थे दूर से ही। कैसे निगरानी रखते थे? ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाई मेल। लगातार चिट्ठी के जरिए वो इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे कि ऐसे काम होना चाहिए, वैसे काम होना चाहिए। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और हमेशा मंगवाते थे वहाँ से कि कैसे खर्चा हो रहा है, वो सबका लेखा जोखा मंगवाते थे, फाइनेंशियल अकाउंट। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स डैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द
ओल्ड लैटरिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। एक बार तो क्या हुआ, उन्होंने अपने जो आश्रम के जो जितने भी रेसिडेंट थे वहाँ पर उन्होंने चिट्ठी भिजवाया कि अब समय हो गया है कि वो जो पुराना जो गड्ढा खोना गया था लैटरिन के लिए उसको अब बंद कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए और एक नया गड्ढा खोना जाए, नहीं तो क्या होगा, वो पुराने वाले गंद करना शुरू कर देंगे। तो देखिए इतना दूर रखे भी ये कितना बेसिक बेसिक बात पे ध्यान दे रहे थे वो। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी का लाइफ में भी ये जो चंपारण का जो घटना था उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। तो गांधी जी बोल रहे हैं लुईस फिशर को जो कि नरेटर इस स्टोरी का, उसको बोल रहे हैं कि जो मैंने किया वो काफ़ी ऑर्डिनरी थिंग था, आम बात था, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया जाके। आई डिक्लेयर डैट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश कुड नेवर कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तो ब्रिटिश हमें ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि मेरे को अपने देश में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने यही काम किया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। लेकिन चंपारण डिफाइंस मतलब अपोजिशन, चंपारण का जो हादसा था, इवेंट था, वो एक ऐसा नहीं था कि सरकार को वो अपोज करना चाह रही थी। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। चंपारण का जो इवेंट था वो सिर्फ एक अटेम्प्ट था एलिविएट मतलब रिलीव, हटाना था, क्या कर हटाना था, द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स का दुख कम करना था। चंपारण का इवेंट का उद्देश्य ये था, ना कि सरकार को अपोज करना, ये उद्देश्य नहीं था। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का काम करने का तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। वो उनका जो पॉलिटिक्स था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ था। कोई भी काम करते थे तो वो आम जीवन का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सुलझाने का कोशिश करते थे उसी में। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। तो उनका जो लॉयल्टी था, निष्ठा था, वो आइडियाज़ के प्रति नहीं था, वो सिर्फ आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वो उनका जो लॉयल्टी था वो लिविंग ह्यूमन बींग्स की तरफ था, मतलब इंसान को एक बेहतर जीवन जीने के लिए क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ उनके प्रति, उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे वो, ना किसी आइडियाज़ के ऊपर। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है आइडियाज। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड मेक इंडिया फ्री। गांधी जी का हर जो काम जो गांधी जी करते थे उसमें वो कोशिश करते थे टू मोल्ड मतलब मेक, टू मेक अ न्यू फ्री इंडियन, कोशिश करते थे कि कोई इंसान है वो हमेशा नया हो, और नया मतलब उसका सोच नया हो और फ्री इंडियन हो, वो हमेशा आज़ादी की तरह सोचे, वो आज़ाद रहे, किसी चीज़ का दबाव में ना रहे। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, ऐसा इंडियन बनाना चाहते थे वो, एंड दस मेक इंडिया फ्री। और अगर ऐसा इंडियन होगा जो फ्री होगा, जो अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा इंडिया भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लार्ज अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। तो जब चंपारण का जो ये एक्शन हो रहा था, ये घटना घट रहा था, तब एक इंसान थे जिनका नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। ये क्या थे, एक अंग्रेज थे और ये पैसिफिस्ट मतलब इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। ये कैसे इंसान थे, तो वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए थे इस समय के दौरान, और वो क्या किए थे, केम टू बीट गांधी फेयरवेल। वो गांधी जी को क्या कहते, फेयरवेल मतलब बाय बाय बोलने आए थे, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, क्योंकि उनका अब ड्यूटी कहाँ पे लग गया था, फिजी आइलैंड्स में लग गया था, तो वो वहाँ पे जाने से पहले गांधी जी को फेयरवेल बोलने आए थे, बाय बाय बोलने आए थे। गांधी लॉयर फ्रेंड्स, तो गांधी जी के जितने भी वकील जो दोस्त थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद और भी दो तीन ठो नाम था, वो लोग थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। वो लोग सोचे कि ये काफ़ी अच्छा होगा कि एंड्रयूज हमारे साथ ही चंपारण में रुक जाए, एंड हेल्प देम, और हमारा मदद करे। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू इस चीज़ के लिए राजी भी था अगर गांधी जी चाहते तो, बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज। लेकिन गांधी जी पूरे जोर शोर से अपोज किए, वेहमेंटली मतलब इंटेंसली, काफ़ी जोर शोर से इसका अपोज किए कि हमें किसी का मदद नहीं चाहिए। ही सेड, गांधी जी बोलते हैं, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। गांधी जी बोलते हैं कि क्या आप लोगों को ये लगता है कि
कि ये अनइक्वल फाइट, एक तरफ अंग्रेज बहुत ही पावरफुल और एक तरफ ये लोग बहुत ही कमजोर, तो ये अनइक्वल फाइट में क्या ये मदद करेगा? या हमारे पास सिर्फ एक अंग्रेज अगर हमारे साइड हो जाता है तो क्या हमारा इससे क्या होने वाला है? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। तो ये काफ़ी अच्छा लाइन है और इसका मीनिंग है कि यह आपका क्या बताता है, आप कितना कमजोर है दिल से, ये बताता है कि आप एक अंग्रेज का सपोर्ट ले रहे हैं। अगर आप में इतना ही दम है तो आप अकेले लड़िए। द कॉज इज जस्ट, ये जो लड़ाई का जो कॉज है वो सही कॉज है, एक सही पॉइंट पर हम लोग लड़ रहे हैं। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और आपको खुद पर डिपेंड होना होगा, अपना युद्ध